पारिवारिक विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या। पति ने धारदार हथियार से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के कोकरा ज्योत इलाके की है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शनिवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। जानकारी मिली है कि पति पत्नी के बीच कई दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था। रात में परिवार के सभी लोग घर पर ही खा पी कर सो जाते हैं। अचानक शोर सुनकर आरोपी पति रंजीत सोरेन की बहन लक्ष्मी सोरेन कमरे से बाहर निकली। तभी उनके भाभी कविता सोरेन को लहूलहान हालत में पड़ा हुआ देखा, फिर चीख फुकार शुरू हो गई। इसके बाद आरोपी रंजीत वहां से भाग गया और थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। আমি সোনা পাই না, বাড়ির ভিতরে কি করে নি করে আমি তো সোনা পাই না। চোদ্দ পাইলো মেয়েটা, চোদ্দ পাইছে তো বাইরে চলে গেল, দেখতে গেল। তখন ওর পাশে পাশে আমি চলে গেলাম। তারপরে এই ঘটনা, ও ছেলেটা পালাই গেছে, আমি তো ধরতেই পারিনি, দেখা পাই নাই, চলে গেছে। মেয়েটা ধরছিল, মারি মারি চলে গেল, দেখি নেই ছেলেটা দেখা পাইলাম, আমি ওর পাশে উঠে গেলাম, চলে গেছে।